फिर शौक को चेंज किया जा सकता है क्या? Yes. शौक को शौक में मत बदलो, शौक को कभी शौक में मत बदलो कि ताकि घरवाले पूरा परिवार आपका जिस सर शौक में डूबे रहे आपके लिए कि आपका शरीर खत्म हो चुका अंदर से। जिंदगी को जियो। एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता ना, वो एक ही चीज कहता है कि डॉक्टर साहब जैसे तैसे बचा लो, फिर थोड़ी सी जिंदगी दे दो मुझे, थोड़ी सी जिंदगी दे दो। पर क्या होता, डॉक्टर कहता है मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो जिता कर दूंगा, बाकी ऊपर वाले का हाथ में। अब एक सेठ साहूकार था, तो खूब पैसा कमाया उसने, बहुत पैसा कमाया, कहता इतना पैसा कमाया माने जाना माना नाम होता था उसका, बेटी की शादी थी। अब यमदूत आ गया, यमदूत आया उसके पास, कहा भाई चल तेरा टाइम हो गया। तो वो सेठ उसको कहता कि यार ऐसे कैसे टाइम हो गया, अभी तो मैंने जिंदगी जीनी है, अभी तो मैंने जिंदगी जीनी है। वो कहता नहीं तेरा टाइम होगा तू चल। कहता एक काम करो, एक घंटा दे दो, बदले में जितने हीरे मोती जवाहरात तुम ले लो। वो यमदूत कहता नहीं हमें नहीं चाहिए, तू चल साथ में। वो कहता चलो बेटी की शादी आधे घंटे में निपट जाती है, मैं कन्यादान कर देता हूँ, तुम जितना भी कमाया प्रॉपर्टी सब ले लो मेरे से, मैंने पूरी जिंदगी कमाया वो सब ले लो तुम, बस आधा घंटा दे दो। वो कहता नहीं। यमराज कहता नहीं। अब वो कहता सब कुछ मैं आपको देने को तैयार हूँ, कहता एक मिनट तो दे दो ताकि बेटी से मिल लो। वो कहता नहीं। वो ले गया, यमराज ले गया। तो आप सोचो वो क्या चिल्ला रहा था, क्या कह रहा था, कहते कुछ पल चाहिए मुझे अपनी बेटी को विदा करने के लिए, कुछ पल चाहिए मुझे उस शादी में हंसने खेलने के लिए। क्या मिले? नहीं मिले ना। तो भैया जिंदगी का भरोसा नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या है क्या है उसका, कहते ना उसका पता नहीं है। हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, ये कर लेंगे आगे, ऐसे कर लेंगे ऐसे, पर उसकी प्लानिंग का पता नहीं है, नहीं पता ना। फिर जिंदगी को अच्छा ढंग से जीते क्यों नहीं? मेरा एक शब्द है, जिंदगी को अच्छे ढंग से जीते क्यों नहीं, भी आज अच्छे से क्यों नहीं जीते? आपका एक विचार डेली लिखा होता ना, क्या आज मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूं, क्या आज मैं खुश हूं, क्या मैं अच्छा आज सोच पा रहा हूं, क्या आज मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ नई चीजों को जोड़ पा रहा हूं, क्या मुझे आज अच्छे सुगंध महसूस होगा। भी आज के बारे में अपन बात करते हैं, जो आज के बारे में कहता है ना वर्क, उसको कल की फिक्र नहीं होती। लोग कल की प्लानिंग में लगे रहते हैं कि यार प्लानिंग करो कल ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। आज का जीवन है ना, आज जो बीत जा रहा है उसको जीना शुरू करो, और आप देखोगे कि जिंदगी वाकई इतनी अच्छी हो जाएगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां से जाने के बाद अपना नजरिया जो है ना, सबसे पहले वो बदलना है ना, सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना, क्योंकि जब आप एटीट्यूड चेंज करोगे ना तब एक्चुअली में लाइफ में चेंज होना शुरू होएगा। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ, सिंपल सा फंडा है। भी सबसे पहले आपके जो पुराने दोस्त है ना उनको लाइफ में क्रॉस कर दो, कि उनको अपनी लाइफ में नहीं आने देना। अब लोग कहते हैं कि सर दोस्त कहे तो घर में रिश्तेदार थे साहब, वो जीजा था इसने नशा करवा दिया साहब, तो क्या जीजे क्रॉस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, पर थोड़ी सी कन्नी काट सकते हो, थोड़ी सी कन्नी काट सकते हैं। उनके साथ बैठो, चाय पानी पे बैठो, उसके अलावा नहीं मत बैठो। अपना एटीट्यूड सबसे बड़ी चीज है, कि अगर आपका एटीट्यूड ओके है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप यहां से जा रहे हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको नशा देगी ना तो आप लोगे नहीं। चाहे वो दोस्त आ जाए, चाहे आपका दूर का रिश्तेदार आ जाए, वो कहे यार ये ले ले थोड़ा सा और ले ले मजा है, शादी ब्याह बुलावे करे कुछ भी चल देवे, आपने कहा नहीं तो नहीं।
आपको इतना पता है कि अगर डायबिटीज है और भयंकर डायबिटीज है, आपको पता है इतना मीठा मेरे अगर शरीर के अंदर गया ना तो खत्म हो जाएगा। तो डायबिटीज वाला बंदा पूरा दृढ़ संकल्प रखता है ना, एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि भैया लेना ही नहीं है, जितना मर्जी हो मीठा लेना ही नहीं है। उसी तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप नजरिया बदलोगे ना, नजारे बदल जाएंगे, थोड़ी सी दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं। और सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अब लोग कहते हैं साहब बाल परिस्थितियां, परिस्थिति सेम वैसी है जैसे आप छोड़ के आए थे, परिस्थितियां सेम वैसी है जैसे आप छोड़ के आए थे। आप सपोज करो 10 दिन के लिए जयपुर दिल्ली गए भी हो, घर पे आओगे तो घर तो वही है, वही सेम बच्चे, वही बीवी, सब कुछ वही है, वही मोहल्ला। ऐसा तो नहीं कि घर उठ के दूसरी साइड में चला गया, वही सब कुछ है। अब कई बार होता ना कि साहब यहां से जाने के बाद काम धंधा क्या करूंगा, कैसे करूंगा। और इसका दूसरा चीज है सब्र रखना। अगर आपने सब्र रखा हुआ है ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो शुरू में चैलेंज है, शुरू में चैलेंज है। अभी जैसे लोग रामदेवरा जा रहे हैं ना, साला सा जाते हैं रामदेवरा जा रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है जो बंदा पहली बार गया होगा उसको तकलीफ नहीं होगी? 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ढंग से नहीं चला होगा, वो कहते हैं मेरे तो पैर दुख रहे हैं जी, पैर में फाले हो गए जी, चप्पल टूट जाती है, बुरे हाल हो जाते हैं, खाने की दिक्कत तो चलो नहीं आती है ना, सोने की समस्या आ जाती है, सुसु पट्टी कहाँ जाएगा तो उसकी दिक्कत आ जाती है। तो घर में ऐसा आराम से बढ़िया रहता था, क्या होता है। और उसको एक चीज दिखाई देती है, उसकी मंजिल। उसको शुरू में कहते हैं कि 25 दिन लगेंगे पहुंचने में, देख ले तू, सोच समझ के डिसाइड कर ले, पैर भी दुखेंगे, छाले भी पड़ेंगे। और जो वो डिसाइड करता है कि जाना है तो जाना है, जो मर्जी हो जाए, फिर पेन चालू हो जाता है। जब वो डिसाइड करता है ना तब पेन चालू शुरू होता है। लोग जाते हैं तो पहले क्या, वो बंदा थकेगा हारेगा पर वो चलता रहेगा। वो कहता नहीं मुझे जाना है। और अब उस बंदे को सेकंड टाइम भेजो तो क्या कहेगा, चला जाएगा वो। फिफ्थ टाइम उसको पूछो, वो कहता यार ये खड़ा साला सर, ये खड़ा रहा हूँ, निकल जाऊंगा फटाफट। क्यों? उसको वो पेन उसके साथ सेट हो जाता।